Hello everyone, morning to all of you. So we can proceed for the lecture of capacitor. अपने कैपेसिटर में कैपेसिटेंस निकालना लर्न कर लिया है, कॉम्बिनेशंस लर्न किए हुए हैं, बैटरी को लर्न किया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये समझा है, और लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे लेकिन एक चार्ज कैपेसिटर है दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से ज्वाइन किया जाता है तो कैसे बिहेव करता है, और दोनों चार्ज होंगे तो किस तरह से फाइनल रिजल्ट आता है, वो सारी स्टोरीज आपने लर्न की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नाउ कैपेसिटर को जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो बैटरी चार्ज सप्लाई करता है और चार्ज कैपेसिटर पे जाके स्टोर होता है। अगर हम लोग चार्ज के टर्म में बात करें या किरचॉफ्स के लॉ के टर्म में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लूप जीरो रहता है। किरचॉफ्स लॉज भी आपने लर्न किए हुए हैं लास्ट क्लास में। इनकेस आप एनर्जी के टर्म में बात करना चाह रहे हो तो ऐसा समझोगे कि जो बैटरी है, बैटरी के पास केमिकल एनर्जी होती है, वो उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूव करती है और कैपेसिटर के पास जाती है, कैपेसिटर उसको स्टोर करता है। लेकिन कैपेसिटर जो स्टोर करता है वो टोटल वर्क डन ऑफ द बैटरी का 50% करता है। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है तो हम लोगों ने देखा था कैपेसिटर के पास जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होती है या Q² / 2C होती है। जबकि हम लोगों ने वर्क डन का देखा था तो वो पता चला था वो 50% आया था। वर्क डन बाय द बैटरी वॉज लाइक अगर Q चार्ज डिलीवर किया है EMF में तो ये होता है, और स्टोर्ड एनर्जी निकला था हाफ क्यू इंटू ई, सो 50% स्टोर होता है और बाकी 50% वेस्ट हो जाता है ये हम बोलते हैं। सो जब कभी अगर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी स्टोर करनी है किसी कैपेसिटर में तो आपको बैटरी से डबल वर्क कराना पड़ेगा, तभी ऐसा होता है। और तो पॉइंट इसके हम एनर्जी के टर्म में भी बात कर सकते हैं, चार्ज के टर्म में भी बात कर सकते हैं और उसको फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर्किट्स को। ये जो चार्जिंग चार्ज प्रोवाइड करने की प्रोसेस होती है बैटरी से कैपेसिटर पर, तो इसको हम एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। लेट मी पुट द हेडिंग फर्स्ट। हम लोग ये समझना चाहेंगे ये जो चार्जिंग होता है कैपेसिटर का वो किस तरह से होता है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। मीनिंग इज कि जब आपने किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया तो लेट्स से गो इन डिटेल, लेट्स से यहाँ पे एक स्विच था और ये बैटरी थी, ये कैपेसिटर था, ये मतलब टी इक्वल टू जीरो में आपने स्विच को क्लोज किया। तो जस्ट क्लोज करने के बाद स्विच क्या होता है आप जानते होंगे, स्विच एक डिवाइस होती है जो बेसिकली सर्किट को ओपन और क्लोज करने में हमको हेल्प करती है। सो अगर हमने ये स्विच क्लोज किया यानी कि ये सर्किट को कम्प्लीट किया तो यहाँ से चार्ज का फ्लो होता है, और ये जो चार्ज का मूवमेंट है ये दिस चार्ज मूवमेंट गोज टू दिस कैपेसिटर, प्लस पर चार्ज प्लेट पर एक्युमुलेट हो जाता है, माइनस पर इंड्यूस्ड होता है दूसरी वाली प्लेट पर, फिर से ये चार्ज मूव करके बैटरी को वापस मिलता है। ये स्टोरी आपने लर्न कर रखी है। नाउ अब हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अब हम ये लर्न करने वाले हैं कि जब आपने स्विच क्लोज किया क्या ये टोटल चार्ज इमिडिएटली पहुँच जाएगा इसके पास, टोटल चार्ज कुछ समय बाद कितना चार्ज आएगा वो तो अपने को पता है। फाइनली जो चार्ज जाएगा वो हम लोग जानते हैं कि Q/C = E, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग C × E आएगा। अब पॉइंट ये है कि क्या ये चार्ज, इतना सारा चार्ज इमीडिएटली गया था एक साथ, और अगर गया भी था तो कितना टाइम लगा था उसको, या फिर कैसे बिल्डअप हुआ था, और फिर इसके बाद में आगे बढ़ना बंद क्यों कर गया, इसके आगे चार्ज सप्लाई होना बंद हो गया, उसके पीछे रीजन तो आप ये दे सकते हो कि पोटेंशियल बराबर हो गया यानी किरचॉफ्स का लॉ लागू हो गया। तो ये जो चार्ज आया इस कैपेसिटर पर, स्टार्टिंग में चार्ज कितना था, जीरो, तो जीरो से क्यू चार्ज आने में क्या प्रोसेस चला, उस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और इस ये आपके सिलेबस पर है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जीरो टाइम पर कितना चार्ज था, जीरो से थोड़ा आगे बढ़े तो कितना चार्ज था, फाइनली कितना चार्ज होगा। तो ये जो इनिशियल चार्ज होगा वो जीरो टाइम का रहा होगा, फाइनल चार्ज अपने पास ये बचेगा, बीच में ये कैसे बिल्डअप हुआ, क्या ये लीनियरली इंक्रीज किया हुआ है टाइम के साथ, या टाइम के स्क्वायर को पैराबोलिक फॉर्म पे गया है या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गया है, अगर किसी फॉर्म में गया है तो उसका रेट ऑफ चार्जिंग कैसा था,
ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्टिकुलरली एडवांस को लेकर के और मेन को भी, दोनों के एग्जाम्स के लिए। तो हम लोग इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब मैं एक फिगर बनाता हूँ। लेट्स अपने पास एक कैपेसिटर है और ये इनिशियली अनचार्ज्ड है और इसको सर्किट में अपने बैटरी के साथ जोड़ना है। लेकिन आप देखोगे कि जब कभी कोई सर्किट आप बनाओगे तो उसमें कंडक्टर यूज करते हो और कंडक्टर्स के पास तो रेजिस्टेंस होता है। सो इसका मतलब अगर हम प्रैक्टिकली स्टडी करना चाह रहे हैं तो रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बैटरी के पास भी रेजिस्टेंस होता है और सर्किट के पास भी रेजिस्टेंस होता है। सो ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस है उसको हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। लेट से वो रेजिस्टेंस आ रहे हैं हमारे पास, फिर इसको एक इस तरह से स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। ये स्विच है, एस फॉर स्विच, और कई बार की बोलेंगे इसको। दिस इज कैपेसिटेंस, दिस इज बैटरी, दिस इज रेजिस्टेंस। तो ये हमारा सर्किट हो गया। कई बार हम इसको आरसी सर्किट के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज आरसी सर्किट। सो आरसी सर्किट हेडिंग भी डाल सकते थे या फिर हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टू बी स्पेसिफिक। पहले हम लोग चार्जिंग देखेंगे फिर डिस्चार्जिंग देखेंगे, दोनों को समझना है। एक समझ में आएगा दूसरा अपने आप में समझ में आ जाएगा। इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट देयर इज नो चार्ज इन द कैपेसिटर। इनिशियली यहां से आपको ये बात कैरी करनी है कि जब कभी कोई कैपेसिटर गिवन होगा, किसी सर्किट में कनेक्टेड होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या उसके पास इनिशियली चार्ज था या नहीं। अगर अनचार्ज था इसका मतलब उसके पास जीरो चार्ज है। अब कोई बैटरी उसको चार्ज देगा, जितना चार्ज देगा तो उतना उसके पास एक्युमुलेटेड हो जाएगा। इनिशियली अगर उसके पास कोई चार्ज रहा होगा तो बैटरी जितना सप्लाई करेगा उतना उसके साथ एड अप हो जाएगा। अगर बैटरी उसके पॉजिटिव टर्मिनल को चार्ज सप्लाई करता है, नेगेटिव टर्मिनल को चार्ज सप्लाई करेगा तो उसी अमाउंट से कम हो जाएगा। तो जब चार्ज होगा तो उसका प्लस माइनस होगा। अभी ये न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है, तो उसका कोई प्लस माइनस नहीं है। हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस चार्ज से डिसाइड होता है। फिर आप बोलेगा एट टी इक्वल टू जीरो, आपका टाइम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब आपने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस समय आपने स्विच को क्लोज किया। स्विच इज क्लोज्ड, स्विच का नाम यहाँ पर एस है, इज क्लोज्ड। नाउ स्विच क्लोज करने का क्या मीनिंग होता है आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बोल देता हूँ। जब हम स्विच क्लोज बोलेंगे इसका मतलब आपने सर्किट को कंप्लीट किया हुआ है, और स्विच को ओपन बोलेंगे इसका मतलब सर्किट कनेक्टेड नहीं है। सो क्लोज्ड मीन ऑन और ओपन मीन्स ऑफ। तो इनिशियली ये ऑफ था, अब आप इसको ऑन करते हो, दैट मीन्स इस तरह से सिंबल से दिखाते हैं। और ये आपने टी इक्वल टू जीरो पर इसको कनेक्ट किया, उससे पहले करंट नहीं फ्लो करेगा। जब ये स्विच आपका ओपन था उस समय कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा फिर इसको पाथ नहीं मिलेगा, पाथ नहीं मिलेगा तो वो चलेगा नहीं। करंट हमेशा सर्किट पे चलता है, क्लोज सर्किट पे। छोटा पॉइंट था, ऑब्वियस पॉइंट था। टी इक्वल टू जीरो पे आपने इसको क्लोज कर दिया। फिर हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ समय के बाद इस पर चार्ज बिल्डअप हुआ। ऑल्सो लेट एट t इक्वल टू t टाइम्स किसी जनरल टाइम पर चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज स्मॉल q। तो स्मॉल q चार्ज t टाइम के बाद उस पर आया, t टाइम पूरा निकल गया, पूरे t टाइम में कितना चार्ज आ पाया, तो टोटल चार्ज q है आफ्टर टाइम t। सो ये जो टी चार्ज आया होगा पहले इधर से आया होगा, इधर गया होगा, चलता रहा होगा, धीरे धीरे एक्युमुलेट हो रहा है, एक्युमुलेट होते होते क्यू हो गया, कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। तो यहाँ पर माइनस वर्जन आ जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, इस तरह से चार्ज फ्लो कर रहा होगा। इस समय इसके पास चार्ज क्यू है और लेट से सर्किट में करंट आई है, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ लिखने के लिए हमको करंट की जरूरत पड़ेगी, तो आई है। और ये I किस टाइम का है, T टाइम का। चार्ज किस टाइम का, T टाइम का। इसका मतलब ये चार्ज और करंट दोनों टाइम के फंक्शंस हैं। और एक बार अपने को चार्ज और करंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला तो हम ये समझेंगे कि हमको हर एक टाइम पर कितना चार्ज है ये पता चल जा रहा है, और हर एक टाइम पर कितना करंट सर्किट से चल रहा है ये पता चल जा रहा है।
और यही अपना पर्पस है। तो अगर अपने को ये पता चल गया कि चार्ज टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि किस तरह से चार्जिंग चल रही है, दैट मीन्स एट एनी इंस्टेंट हाउ मच द चार्ज हैज गोन, फिर वो किस रेट से जा रहा है, उसकी सारी स्टोरीज हम कैच कर सकते हैं। सो अपना पर्पस क्या है, इस क्यू को कैलकुलेट करना एंड इस आई को कैलकुलेट करना। सो हमने लिखा आर सो लेट एट टी इक्वल टू टी, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, करंट का भी नाम दे देते हैं, एंड करंट इन द सर्किट इज आई। सो आई क्यू टी ये सब जनरल वेरिएबल है और इन्हीं के बारे में अपने को बात करना है। अच्छा, जो बैटरी का प्लस माइनस हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये प्लस और ये माइनस होगा। रेजिस्टेंस का प्लस माइनस लास्ट क्लास में उन्होंने बताया, करंट जिस डायरेक्शन से आती है वो हायर टर्मिनल होता है, जिधर निकलती है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। अब आप यहाँ पर किरचॉफ की इक्वेशन लगाने वाले हैं, एक बार किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो हमको एक रिलेशन मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंसेस का प्लस पोटेंशियल डिफरेंसेस का इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंसेस का। ऐसे ही बोल सकते हैं कि बैटरी का जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बाकी सबके सम के बराबर होगा, या फिर सभी का एल्जेब्रिक सम जीरो हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं, इस सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किस टाइम पर, t इक्वल टू t टाइम पर सॉल्व कर रहे हैं। जीरो टाइम पर आपने स्विच को क्लोज किया था, तो अपने को पता चलेगा कि टाइम के साथ चार्ज कैसे बिल्डअप हुआ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर वी हैड दिस, आगे हम इसको यूज करते रहेंगे और बहुत यूज करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा इसी पर डिपेंडेंट है। लेट्स आप लोग इस टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं और इस तरह से जाते हुए करंट के डायरेक्शन में वापस इसी टर्मिनल पर आते हैं और इस पॉइंट पर आते हैं और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकलते हैं। जब आप सी को क्रॉस कर रहे होगे तो ड्रॉप मिल रहा होगा प्लस से माइनस, और ड्रॉप कितना आएगा, क्यू बाई सी। तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्यू बाई सी मिलेगा। देन यू विल मूव अहेड, कंडक्टर में कोई डिफरेंस नहीं आता पोटेंशियल का, फिर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, प्लस से आप जा रहे हो माइनस की तरफ तो ड्रॉप है, ड्रॉप प्लस होता है, आई आर लिख दोगे। हम लोगों ने बात किया था कि रेजिस्टेंस का क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो आई आर आता है, कैपेसिटर का क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो क्यू बाई सी आता है, और बैटरी का क्रॉस जो बैटरी में लिखा होता है। अब आगे बढ़ते हो तो फिर माइनस एंट्री हो रहे हो, यानी गेन आ रहा है, और कितने का आएगा, ई का आएगा, तो माइनस ई लगा दोगे। फाइनली आप पहुंच जाओगे वहां पे, स्विच के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि वो कंडक्टर है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो ये इक्वेशन है किरचॉफ से हम लिख सकते हैं किसी भी सर्किट के लिए, एज लॉन्ग एज वी नो कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और ड्रॉप है या गेन है, और सबको एड अप करके लिखते हैं। नाउ अपने पास एक इक्वेशन आ गई, अपने पास दो अननोन है, इक्वेशन है, अननोन कौन कौन सा है, Q और I। गिवन क्या क्या है सर्किट में, आपको जो दिया जाएगा वो C की वैल्यू पता होगी क्योंकि वो कैपेसिटर है, जहाँ से बना के लाया गया होगा तो उसकी C रेटिंग पता होगी, C वैल्यू। रेजिस्टेंस अगेन, रजिस्टर लेके आओगे तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू पता होगी, बैटरी लेके आओगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस या EMF नोन होगा। सो C, R, E दे आर नोन क्वान्टिटीज, Q एंड I बोथ आर अननोन, और ये किसी टी टाइम की कहानी है। दो अननोन, एक इक्वेशन, एक रिलेशन आपको और चाहिए होगा, दूसरा रिलेशन हम कहाँ से निकाल सकते हैं, तो दूसरा रिलेशन हम डेफिनेशन से निकालेंगे, डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट और चार्ज आपस में लिंक होते हैं, तो जिस रेट से चार्ज इस पे बिल्डअप हो रहा होगा उसी को हम करंट बोलेंगे। सो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वही होगा जो रेट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज होगा। सो हम लोग जानते हैं, सेंस मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, करंट इज डिफाइंड एज rate of flow of charge, so या rate of accumulation of charge, so ये हमारे पास दूसरी equation होगी as per the definition। ये क्या लिखा हुआ है, rate of charging of capacitor। so जब कभी आपसे rate of charging of capacitor पूछेगा, हम basically current को बता रहे होंगे, और चार्ज पूछेगा तो क्यू को बता रहे होंगे, दस टू वेरिएबल्स और दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ वी गॉट टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, देयर टू इक्वेशंस, टू अननोन्स, मैथ्स बोलेगा कि हम सॉल्व करके बता देंगे, और अपने को क्यू चाहिए और आई चाहिए, दोनों चाहिए। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, ये बेसिक फ्रेमवर्क है, इसी फ्रेमवर्क को हम लोग कैरी करेंगे। इसके बाद थोड़ी सी मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है, दो अननोन्स को हैंडल करने का दो इक्वेशन अपना रूल क्या होता है, एक वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, आई को आई से रिप्लेस कर लो,
इसकी जो नई वैल्यू है, फिर एक क्यू में रिलेशन आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपने को एक आंसर मिलेगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका रिप्लेसमेंट करता हूँ, इनकेस यू आर डन विद दिस। इसको आरसी सर्किट भी बोलते हैं क्योंकि हम आर और सी को यूज करते हैं, साथ साथ बैटरी रहती है। सो पहला इक्वेशन, मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी करता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। फर्स्ट इक्वेशन वॉज क्यू वाई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल था आई की जो वैल्यू थी दैट वॉज डी क्यू बाई डी टी। ये कंटिन्यूसली वेरिएशन चल रहा है, इसका मतलब अपने को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है, इंस्टेंटेनियस करंट है। आई की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो आप चाहो तो इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा क्यू प्लस आई, आई की प्लेस पर हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, और बेटर होगा कि आप आर से डिवाइड भी कर दो, आर सी से डिवाइड कर देते हैं, इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ये ज़्यादा सूट करेगा। फर्क कुछ नहीं पड़ता, वो नंबर से आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ई वाई आर, मैंने डी क्यू बाई डी टी को फ्री कर दिया, दैट्स ऑल। सो आई की जगह मैंने डी क्यू बाई डी टी लिख दिया है और आर से डिवाइड कर दिया है, तो क्यू अपॉन आर सी बन गया, उधर ई वाई आर हो गया। तो इस तरह का आपको एक इक्वेशन नजर आएगा। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा डी क्यू अपॉन डी टी प्लस वन अपॉन आर सी इंटू क्यू इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स कर रखी है तो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आ होगा जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने पढ़ रखी है तो ये एक पर्टिकुलर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन आपने डायरेक्टली पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सोल्यूशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, दैट मीन्स फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड व्हाट द क्यू इज। और अगर उस फॉर्मूले को आप नहीं जानते हो तो बेसिक मेथड से भी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेसिक लॉ लगा करके। सो मैं आप बेसिक तरीके से सॉल्व करके बता देता हूँ, डायरेक्टली सोल्यूशन भी बारो कर सकते थे। इसको आप क्यू को उस साइड ले जाइए तो ये बनेगा क्यू माइनस सी ई डिवाइड बाई आर सी। सो क्या किया कि इसको साइड लेकर डिनोमिनेटर बैलेंस कर दिया तो कुछ ऐसा बन गया। फर्दर रीराइट करते हैं, सो दिस विल बिकम डी क्यू अपॉन क्यू माइनस सी ई। कई बार आपको एडवांस जैसे क्वेश्चन में इसके डेरिवेशन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ये ड्राइव कर दे रहा हूँ मैं। एंड दिस इज गोइंग टू वन अपॉन आर सी डी टी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। लेफ्ट हैंड साइड में केवल क्यू है, राइट हैंड साइड में केवल टी है एज अ वेरिएबल, बाकी तो कॉन्स्टेंट्स हैं। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम, अगर टी वन से टी टू बोलता है तो टी वन से टी टू लगाएंगे, इनिशियल चार्ज क्यू वन बोलता है, फाइनल क्यू टू बोलता है तो क्यू वन से क्यू टू लगाएंगे। यहाँ पर हमने इनिशियल टाइम कितना लिया हुआ है, जीरो, तो हम जीरो टाइम से लगेंगे। किस टाइम की बात कर रहे हैं, टी टाइम की। इनिशियल चार्ज कितना लिया हुआ है, जीरो, फाइनल चार्ज कितना है, लेट्स से दैट इज क्यू और दिस स्मॉल क्यू, दैट्स अ वेरिएबल। सो अगर कभी इनिशियल चार्ज दिया जाएगा तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू को क्यू नॉट को लिखेंगे, और अदरवाइज जीरो होगा तो इस तरह से बढ़ जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन आई डोंट थिंक इज सो डिफिकल्ट। जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, कैलकुलेशन में मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, चेक कर लेते। ई था, ये नेगेटिव बनेगा, एक माइनस साइन कुछ गड़बड़ लग रहा है तो यहाँ पे एक माइनस साइन मैं लगा दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्यू उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा और ई वाला टर्म पॉजिटिव रहा होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक माइनस साइन रहा होगा, चेक कर सकते हो। सो दिस विल बिकम माइनस, ये वन अपॉन एक्स टाइप का है तो एल एन एक्स बन जाएगा, और जो एक्स का फैक्टर होता है वो वन है तो उससे डिवाइड करने में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो से क्यू, ये वन अपॉन आर सी कॉन्स्टेंट है, टी माइनस जीरो दैट इज टी, ये बन जाएगा। देन आफ्टर इसकी वैल्यूज लिमिट्स को रख सकते हो, सो ये बनेगा एल एन, क्यू को क्यू से रखेंगे तो क्यू रहेगा सी ई माइनस एल एन, क्यू को जब आप जीरो रखोगे जीरो वॉन्ट बी परमिटेड, सो वॉट। तो अगर जीरो हमारा परमिटेड नहीं, वैसे भी हम लोग क्या करते हैं ना, जब ये आता है इसका मॉड वैल्यू आता है, और दूसरा अपने पास वे क्या है कि इस माइनस को आप यहाँ ले जाओ तो सी ई माइनस क्यू हो जाएगा, तो वो भी चलेगा।
और वैसे भी जब कभी हम 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो ln mod of x आता है, mod of x, ये mod लगाना जरूरी है क्योंकि ln के अंदर इनसाइड में माइनस नहीं आएगा, तो ये बनेगा अपने लिए ln mod 0 माइनस ce, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन की रेंज और डोमेन्स के बारे में आप जानते होंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी, ये जो माइनस था वो मैं इधर ले गया। नाउ देन आफ्टर यूर फाइंड की इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उस मॉड को हटा दो, पॉजिटिव को पहले लग लो, सो मॉड हट जाता है, सो ये बनेगा एल एन क्यू माइनस सी ई डिवाइड बाई सी ई, दिस इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। फर्दर उस साइड ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, तो ये बनेगा ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ से हम क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक स्टेप को मैं जंप कर दे रहा हूँ, क्यू की जो वैल्यू आएगी वो सी इधर जाएगा और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा पूरा टाइम, ये भी मॉड रहेगा क्योंकि ये पूरा मॉड था, ये जो माइनस मैंने बाहर निकाला उसकी वजह से थोड़े से इश्यूज है, बट आप ये समझो कि हम यहाँ पे मॉड लगा के चलते हैं एलन के अंदर और ये मॉड में रहा होगा, और जब कभी मॉड की वैल्यू हटाते हैं तो बड़ा माइनस छोटा करते हैं, अपने को पता है कि जो क्यू है वो जीरो से स्टार्ट हुआ है वो छोटा रहा होगा, तो बेसिकली ये कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं लास्ट स्टेप भी लिखना पड़ेगा मेरे को, सो दिस विल बी सम सॉर्ट ऑफ दिस सी ई माइनस क्यू डिवाइड बाई सी ई, दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन आर सी। आपको समझ में आया कि मॉड को मैंने सी ई माइनस क्यू क्यों लिखा, क्यू माइनस सी ई क्यों गलत जा रहा था, क्यू माइनस सी इसलिए रॉन्ग जा रहा था क्योंकि वो निगेटिव रहेगा और लॉग के अंदर हम निगेटिव नहीं लिख सकते, इसलिए मॉड लगा के रखना होता है। सो दिस विल बेसिकली लीड टू क्यू वैल्यू, यहाँ से अपने को अब क्यू सिंप्लीफाइड वर्जन में मिल जाएगा, क्या मिलेगा, सी ई इधर जाएगा, वापस लेके आओगे तो सी ई को आप बाहर निकाल सकते हो एज अ कॉमन, ब्रैकेट में मिलेगा वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन आर सी। काफ़ी पॉपुलर है, इम्पोर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। सो हाउ द चार्ज इज बीइंग बिल्ड अप ऑन अ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, उसकी जो चार्जिंग रहेगी वो इस तरह से रहेगी, क्यू इज इक्वल टू सी ई इन ब्रैकेट वन माइनस ई रेस्ट पावर टी अपॉन आर सी। कॉपी कर लीजिए, कोई स्टेप को रीएक्सप्लेन करना हो तो बोलिए, यहाँ पर कुछ मॉड वर्ड चल रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं तो भी आपको बोलना है, और अदरवाइज आप क्या कीजिए, माइनस साइन को इसमें अंदर कर लीजिए, सी माइनस क्यू कर दीजिए, सारा सेटल हो जाएगा, फाइनली अपने पास आंसर आता है। सो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज नॉट अ लीनियर, टाइम के साथ वो लीनियरली नहीं चार्ज होता है बल्कि एक्सपोनेंशियल चलता है, तो फिर आपसे ऐसा बोल पूछ सकता है कि ये चार्जिंग जो है वो इनिशियली फास्टर होगी, बाद में फास्ट चार्ज होगा, बीच में फास्ट चार्ज करता है, या फिर इनिशियली स्लो चार्ज करेगा बाद में फास्ट चार्ज करेगा, किस तरह से चार्ज बिल्डअप हो रहा होता है, वो सारी क्वेश्चन हम के आंसर इस फॉर्मूले से दे सकते हैं। सो अपने को जो मिला उस फॉर्मूले को मैं फ्री राइट कर देता हूँ, क्यू की जो वैल्यू आ रही है वो सी ई इन ब्रैकेट वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी के बराबर आ रही है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इनिशियली चार्ज वॉज जीरो। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, इफ कुछ कैलकुलेशन कुछ पॉइंट चेक कर लेते हैं, टी इक्वल टू जीरो, ये टी जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है, यस जीरो है, जीरो टाइम पे तो ऑफकोर्स जब हमने जीरो टाइम था उसमें हमने स्विच क्लोज किया था, तो जब चार्ज पहुंचा होगा तो जीरो से थोड़ा टाइम के बाद पहुंचा होगा, तो जनरली आपसे ऐसा बोलेगा कि टी टेंडिंग टू जीरो प्लस, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज में कैसा लिखेगा कि स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद, तो इसका मतलब होगा जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। जैसे आपने स्विच को क्लोज किया उसके तुरंत बाद कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहेगा ये अपने को पता करना है, जबकि हमको ये पता था कि जब स्विच आप क्लोज करने जा रहे थे उस समय चार्ज जीरो था, तो इनिशियली चार्ज वाज जीरो, बट व्हाट हैपेंस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग इट।
जस्ट आफ्टर क्लोजिंग इट पता करना चाहोगे तो हम इसमें टी को टेंडिंग टू जीरो रखेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब टी टेंडिंग टू जीरो होती है तो ई रेस्ट टू पावर माइनस टी वो ई रेस्ट पावर माइनस जीरो को टेंड करेगा, दैट मीन्स ई रेस्ट पावर जीरो को टेंड करेगा। तो जो क्यू की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सी ई इन द ब्रैकेट वन माइनस ई रेस्ट टू पावर जीरो, जीरो प्लस और माइनस जीरो प्लस वो ऑलमोस्ट ई रेस्ट पावर जीरो रहेगा लिमिट कंडीशन में। ई रेस्ट पावर जीरो कितना होगा दैट यू नो बेटर, सो उसकी वैल्यू आ जाएगी वन। सो चार्ज कितना हो जाएगा जीरो। एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप स्विच क्लोज करने जा रहे थे उस समय चार्ज वॉज जीरो, लेकिन आपने स्विच क्लोज कर दिया उसके जस्ट बाद भी चार्ज जीरो है। दैट मीन्स कैपेसिटर पर चार्ज जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच चेंज नहीं होता है, अगर जीरो था तो जीरो रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अभी हम देखेंगे कि मोस्टली जो क्वेश्चन इसमें पूछता है तो इसी पॉइंट पे पूछता है। ऐसा बोलेगा कि स्विच क्लोज करने के जस्ट आफ्टर बताइए क्या चल रहा है। तो जस्ट आफ्टर हम लोग क्या करने वाले हैं कि कैपेसिटर पर कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं आएगा ऐसा मान के चलेंगे। बेसिकली होता क्या है कि चार्ज बहुत कम आता है, निग्लिजिबल चार्ज आता है, तो उसको हम जीरो पकड़ लेते हैं। फिर दूसरा एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है या इंटरप्रिटेशन है इस फॉर्मूले का जिस पर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा इंटरप्रिटेशन, अगर टाइम आपने बहुत ज्यादा कर दिया, ऐसा लिखते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद क्या होने वाला है। अब ये लॉन्ग टाइम का क्या मीनिंग अभी आप समझोगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम इसका दूसरा मतलब आएगा दैट इज स्टेडी स्टेट, दैट मीन्स जब सब कुछ सेटल हो गया उस समय, उस समय कितना चार्ज रहेगा वो अपने को पता करना है। सो इसका मतलब है आपका जो टाइम है, बेसिकली टाइम इज मच 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 ग्रेटर देन आरसी। ये आरसी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, सिंपल है। ये जो एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है वो टी अपॉन आरसी लिखा हुआ है। आप देखो ये आरसी है, आपसे कोई पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है कि व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरसी। तो उसको मैं साइड में बोल देता हूँ। अगर कोई आपसे पूछता है कि आरसी का डायमेंशन बताइए या यूनिट बताइए, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ आरसी इज गोइंग टू बी आर इनटू सी टुगेदर। फिर ऑप्शन देगा आपको, बहुत सारे ऑप्शन देगा, वो ऑप्शन नहीं देगा कौन सा, ओम और कूलम वाला नहीं देगा। वैसे तुमको पता है क्या बनेगा, ओम इंटू कूलम, लेकिन ओम और कूलम वाला नहीं देगा। तो फिर हम यहाँ से ये पता कर लेंगे, सिंस ये एक्सपोनेंशियल की पावर में चल रहा है, टी अपॉन आर सी है, तो एक्सपोनेंशियल के जो पावर्स होते हैं दे आर डायमेंशनलेस। सो टी का डायमेंशन और आर सी का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। तो दिस इज यूनिट ऑफ दिस इज सेकेंड। और अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज टाइम, दैट इज टी। एग्जाम में आ चुका है, उसने ओम और कूलम नहीं दिया था, बाकी सेकंड टाइम दे रखा था सेकंड का, और बाकी और भी दे रखे थे जो कि गलत थे, तो हम यहाँ से बता सकते हैं। सो पॉइंट इज कि जो आर सी है वो टाइम जैसा कुछ बिहेव कर रहा है, अभी उसका नाम बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट। तो इस टाइम कॉन्स्टेंट के कंपेरिजन में हमारा टाइम कितना हुआ ये मैटर करता है। जनरली ये जो आर सी की वैल्यू होती है बहुत कम होती है, क्योंकि आप जानते हो सी कैपेसिटर्स होता है माइक्रो फैराड में रहता है, तो टेरेस पावर माइनस सिक्स तो उसके पास आ जाता है, और आर की वैल्यू फ्यू ओम्स होती है, तो ये जो वैल्यू रहती है आर सी की वैल्यू कुछ मिली सेकेंड्स में रहती है। तो टी की वैल्यू आर सी के कंपेरिजन में ज़्यादा होनी चाहिए। लूज सेंस में हम उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, लेकिन इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नंबर नहीं है, जीरो के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट नहीं, आरसी के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स अगर टी की वैल्यू 2-3 सेकेंड्स हो जाती है तो, और ये मिली सेकेंड्स है, इसका मतलब हम 1000 टाइम्स आगे निकल गए, इसका मतलब है ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा। तो लॉन्ग टाइम या स्टेडी स्टेट का मतलब टी इज मच मच मोर देन दिस आरसी, इसका मतलब टी अपॉन आरसी की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करनी चाहिए। दिस फर्दर मीन्स टी अपॉन आरसी शुड बी मच 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 ग्रेटर देन वन, that means it should tend to infinity.
अगेन ये इन्फिनिटी अगेन रिलेटिव है, एक बड़ा नंबर होगा, दैट्स व्हाट इट मींस। और जब टी अपॉन आर सी इन्फाइनाइट को टेंड करेगा, इसका मतलब आएगा कि ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन आर सी किसको टेंड करेगा, दिस विल टेंडिंग टू ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी। और आप लोगों को पता होगा कि ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू किसको टेंड करती है, जीरो को। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद ये जो टर्म होगा वो जीरो को टेंड करेगा, तो उस समय क्यू कितना हो जाएगा, इसलिए जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बिकम सी इंटू ई। सो दैट विल बी बेसिकली मैक्स चार्ज। सो चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी मैक्सिमम आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड हाउ मच दैट इज गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू बी सी इंटू ई। अब ये वही सर्किट है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखे थे कि अगर सी कैपेसिटर, बेसिकली सर्किट कैसा बिहेव करेगा, एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है, 10 सॉल, और ये सी है और ये ई है, तो कितना चार्ज आया, क्यू मैक्स, एंड हाउ मच दैट क्यू मैक्स इज सी इंटू ई। सो पॉइंट इज कि आफ्टर लॉन्ग टाइम यू विल फाइंड कि सर्किट इस तरह से बिहेव करता है। रेजिस्टेंस कहाँ चला गया, रेजिस्टेंस था लेकिन इस पर आप देखोगे करंट जीरो हो जाएगी, चार्ज बिल्डअप बंद, चार्ज आना बंद हो जाएगा, तो करंट जीरो हो जाएगी। तो जब करंट की हम लोग बात करेंगे तो करंट होगा डी क्यू बाई डी टी, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विल बिकम जीरो। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम यू विल फाइंड करंट विल बिकम जीरो। तो जब हम ऐसा सर्किट बनाते हैं तो इसका मतलब है करंट पहले चला होगा, चल के सेटल हो गया है, सेटल होने के बाद पूरा चार्ज अपने पास कितना मैक्सिमम है वो बताते हैं। उसके पहले क्या चल रहा होता है, उसके पहले ये सब चल रहा होता है, चार्ज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा होता है और मैक्सिमम चार्ज डिलीवर होने के बाद उसको बोलते हैं, उसको स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलेंगे या लॉन्ग टाइम बोलेंगे या टी अपॉन आर सी की वैल्यू ज़्यादा बोलेंगे। समझ में आता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। करंट के बारे में भी और भी बात करने वाले हैं, तो ये इंटरप्रिटेशन आप देख लीजिए। जनरली क्वेश्चंस इन्हीं दो पॉइंट से पूछेगा, ऐसा बोलेगा कि क्लोज सर्किट में जो स्विच है उसको क्लोज करने के तुरंत बाद बताइए क्या चल रहा है, या फिर ऐसा बोलेगा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद बताइए क्या चल रहा है। तो अपने को क्या कंक्लूजन निकालना है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच देयर विल बी नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर। दैट मीन्स उस समय सर्किट कैसे बिहेव कर रहा होगा वो भी सर्किट ड्रॉ कर देते हैं, आप समझ जाओगे। कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब कैपेसिटर आपका चला गया। दैट मीन्स अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है तो हम उसको लिखते नहीं है, तो आपका सर्किट सिंपली इतना नजर आएगा ये ईएमएफ, ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पर कुछ करंट चल रही होगी, करंट जीरो नहीं होगी क्योंकि करंट को इस पोटेंशियल को बैलेंस करना है, किरचॉफ्स लॉ को बैलेंस करना है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे कैपेसिटर हुआ करता था लेकिन उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। हम लोग जानते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, कोई चार्ज नहीं है, कोई काम नहीं है, उसको रिप्लेस कर दो वायर से कैपेसिटर को, यानी जीरो पोटेंशियल डिफरेंस था इसलिए वायर से रिप्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पर पहले कैपेसिटर हुआ था वो वायर से रिप्लेस हो गया। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ करता था लेकिन करंट जीरो होने की वजह से रेजिस्टेंस का काम खत्म हो गया। सो हम लोग क्या करेंगे, जब सर्किट दिया जाया करेगा तो जस्ट आफ्टर जहां भी कैपेसिटर आएगा उसको हम वायर से रिप्लेस कर देंगे, आफ्टर लॉन्ग टाइम जहां पर रेजिस्टेंस आएगा उसको वायर से रिप्लेस कर देंगे। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बाद में बातें करने वाले हैं, अभी हम कैपेसिटर में समझने वाले हैं। सो व्हाट्स द आइडिया, आइडिया इज कैपेसिटर विल हैव नो चार्ज इनिशियली एंड विल अलाउ नो चार्ज फ्लो फाइनली। Initially, it will have no charge. Finally, it will not allow any charge to flow. That means current will be zero. अभी मैं आपको example देता हूँ, उससे और clear होगा, फिर इसको और भी समझ लेंगे कि इसका graph कैसे बनता है। कई बार वो graph से related पूछता है, कुछ और information आपसे पूछता है। So let's have a simple question. Let's say आपको ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास एक resistance है, circuit solve करने वाला क्वेश्चन है, और एक कैपेसिटर, एक और रेजिस्टेंस है, और एक ये बैटरी लगी हुई है। ऐसे क्वेश्चन जनरली वो क्या करेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर बना के देगा, बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे कैपेसिटर्स। आपको एक डीपीपी दिया था लास्ट क्लास में, उस पर देखना एक इक्वेशन है प्रोबेबली जो आपसे जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर की बात करता है। सो लेट्स से ये ई है और ये आपका आर1 है, ये सी है, ये आर2 है।
और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, दिस स्विच। इस स्विच को आप टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज करते हो, तो स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब टाइम आपका यहां से मेजर होना स्टार्ट होता है। फाइंड नंबर वन, अब केयरफुली पहले आंसर करेंगे, करंट थ्रो आर वन। अपने को यह पता करना है कि आर वन से कितना करंट जाएगा, कब, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। स्विच को क्लोज करने के जस्ट बाद आर वन रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा, ये अपने को पता करना है। आई कैन थिंक ऑफ, थोड़ा सा चैलेंजिंग है अभी स्टार्ट में, और इन केस अगर आप अपना पॉइंट दिमाग लगाते हो, जितना भी मैंने बताया उसको यूज करते हो, देयर इज प्रोबेबिलिटी कि आप आंसर दे दोगे। ओके, आई एम गेटिंग आंसर इज जीरो। सो क्या स्टोरी होती है, मैं एक्सप्लेन करता। अब बैक साइड आइए, अपने रूल्स पे ध्यान देते हैं, रूल्स को एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। रूल क्या है कि किसी भी कैपेसिटर से जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आता है, और इसका मतलब है उस पर ऑलमोस्ट कोई चार्ज नहीं आता है। अगर उस पर कोई चार्ज नहीं आता है तो अपने को देखना होता है कि क्या चल रहा है उस पर। करंट के बारे में नहीं बोल सकते हैं, चार्ज के बारे में बोल सकते हैं कि चार्ज नहीं आएगा। और ये पहला पॉइंट है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच देयर विल बी नो चार्ज चेंज इन द कैपेसिटर। और इसके बाद में फाइनली क्या करते थे, वो चार्ज फ्लो को रोक देते। अब आप इसको रीड्रॉ कर सकते हो, जब आपने स्विच को क्लोज किया तो यहाँ से करंट गया होगा, लेट से यहाँ से करंट आई गया, हम लोग इस तरह से भी सॉल्व करते हैं, आई करंट गया, फिर आई करंट यहाँ से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, एक में आई वन आ गया, एक में आई टू आ गया, किरचॉफ्स लॉज लगा देंगे, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। ये जो आई वन होगा वो यहाँ से भी पास करेगा, ये आई टू यहाँ से पास करेगा, दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद फिर से आई वन आएंगे, वापस आ जाएंगे, ये हमारा सर्किट होता है। देन इसको रीड्रॉ करते हैं, हमको रीड्रॉ करना है किस इंस्टेंट के लिए या किस टाइम के लिए, जस्ट आफ्टर के लिए। तो जब हमारा टी टेंडिंग टू जीरो प्लस था, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा था, उस समय कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया होगा, जीरो। इनिशियली अनचार्ज था ऐसा मान के चलेंगे जब तक वो बोलेगा नहीं, अनचार्ज था यानी जीरो पोटेंशियल डिफरेंस था, बाद में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, जीरो। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, सिंपली एक कंडक्टर से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा जो नया सर्किट बनेगा वो ये बनेगा, एक R2 आएगा, एक R1 आएगा और एक ये बैटरी आएगी। हालांकि ऐसा हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने टेंथ में जरूर पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो अभी भी हम इसको सॉल्व कर सकते क्योंकि किरचॉफ्स लॉ हमको पता है। ये हमारा सर्किट बिहेव करेगा कब, जब कभी जस्ट आफ्टर पूछा जाएगा। तो पॉइंट इज कि जस्ट आफ्टर अगर पूछा जाए तो जो भी कैपेसिटर नजर आए आप उसको वायर से रिप्लेस कर दो, अगर वो इनिशियली अनचार्ज था तो। देन आफ्टर कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ इक्वेशंस बना डालो, इक्वेशंस ऐसा पकड़ लो कि ये आई था और ये आई वन है, ये आई टू है, सॉल्व करना है, आई वन निकालना है। सो क्या कर सकते हैं, पहली इक्वेशन आएगी आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, फिर इसके बाद लूप्स लो लगा लो, एक इस पे लूप या बड़ी वाली लूप पे लगा लो या फिर इस पे लगा लो या पैरेलल लगा लो, जो भी आपको समझ में आता है। हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि आई वन आर वन की जो वैल्यू आएगी वो ई के बराबर आएगी और यही आई टू आर टू के बराबर आएगी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सब बराबर होंगे। अपने को आई वन चाहिए था तो आई वन की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन आर वन, आई टू चाहिए था आई टू की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन आर टू। सो अपने को क्या चाहिए था, अपने को ई वन चाहिए था, हाउ मच द करंट फ्लोज, आपको ई आर वन आर टू पता था, तो ई अपॉन आर वन अपना आंसर हो जाएगा।
हाँ तो ये नॉन जीरो होगी, और नॉन जीरो में भी कितना होगा, ई अपॉन आर वन होगा। सो पहला अपना आंसर बनता है ये। अगर आपसे ये पूछा गया होता कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच आर टू से कितना करंट जाएगा, तो डायरेक्टली आप आर टू से बोल सकते हैं, तो आर टू से जो करंट जाएगा वो ई अपॉन आर टू जाएगा। सो हम आर वन से करंट बता सकते हैं, आर टू से करंट बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा, तो वो उसी को तो हम लोग यूज ही कर रहे हैं, कैपेसिटर का चार्ज विल बिकम जीरो क्योंकि इनिशियली है। सो हम कैपेसिटर का चार्ज बता सकते हैं, रेजिस्टेंस से करंट्स बता सकते हैं, यानी सारी स्टोरी बता सकते हैं सर्किट के बारे में। ई अपॉन आर वन इज करेक्ट, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं भी बता पा रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपसे बोलता है कि करंट थ्रू आर वन आफ्टर लॉन्ग टाइम, सो लॉन्ग टाइम के बाद आर वन से कितना करंट जाएगा, ये अपने को पता करना है। अगेन आप प्रीवियस स्लाइड में जो बोला गया उसको वॉच करें, और अगर आपने नोट नहीं किया तो ये प्रीवियस स्लाइड है। लॉन्ग टाइम के बाद कितना आएगा ये अपने को पता करना है। ये आपका इनिशियल सर्किट है। सो अपने को ये देखना है कि लॉन्ग टाइम के बाद कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। जब ज्यादा टाइम हो जाएगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी, उस स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। आप समझिए, अभी आपको ओवर द टाइम और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर आप इसको देख करके आंसर देंगे। जब ये स्टेडी स्टेट आएगा तो ये कंप्लीटली चार्ज हो जाता है। कंप्लीटली चार्ज होने के बाद फिर क्या करता है कि किसी और चार्ज को अलाउ नहीं करता है। जब किसी और चार्ज को अलाउ नहीं करेगा, इसका मतलब अपने से किसी करंट को नहीं जाने देता है, तो ये जो आई वन है उसको जीरो कर देगा। तो आप बोलोगे कि जो आई वन है वो जीरो हो जाएगी, और आई वन ही करंट है जो आर वन से जा रही है। इसका मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर वाले ब्रांच से कोई करंट नहीं जाता है, ये हम समझ सकते हैं। सो आई वन विल बिकम जीरो। अच्छा, अगर आई वन जीरो हो गया तो आई टू के बारे में क्या ख्याल है? आई टू के लिए अभी भी आप सोच सकते हो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपसे अगर आई टू पूछता है तो ई अपॉन आर टू के बराबर रहेगा। सो ऊपर वाले रेजिस्टेंस से करंट कंटिन्यूसली चलती रहेगी, और इस वाले ब्रांच से करंट हमारी चेंज होती रहेगी। इनिशियली ई वाई आर वन करंट होगी और फाइनली करंट जीरो हो जाएगी। सर्किट कैसा दिखेगा उस समय, हम सर्किट इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमको सर्किट रीड्रॉ करने की जरूरत है तो हम ड्रॉ करेंगे कि आर टू हमारा रहेगा, लेकिन जो कैपेसिटर था वो ब्रोकन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। कई बार हम लोग इस तरह से भी लिख लेते हैं कि हम ये बोलते हैं कि ये जो सर्किट है कैपेसिटर वो ब्रोकन सर्किट है, दैट मीन्स वो किसी करंट को अलाउ नहीं कर रहा है। आर वन से कोई करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट जाएगा वो आर टू से जाएगा। So, यहां से जो भी करंट जाएगा वो सीधा का सीधा यहां से पास हो जाएगा। कई बार लोग इस तरह से याद रख लेते हैं, दिस कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग वायर इन केस ऑफ जस्ट आफ्टर, एंड द सेम कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ ब्रोकन सर्किट, दैट मींस अ सर्किट जो करंट को अलाउ नहीं कर रहा है। सो नो करंट फ्रॉम दिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक तीसरा क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जनरली वही पूछा जाता है। यहाँ पर कैपेसिटर है बेसिकली, है ना, लेकिन वो चार्ज को फ्लो नहीं करने दे रहा है। यहाँ पर भी तो किरचॉफ्स लॉ वैलिड होगा। किरचॉफ्स लॉ बेसिक लॉज है, जैसे न्यूटन्स लॉ हमारे बेसिक लॉज है, तो हर मैकेनिक्स क्वेश्चंस में हम उसको लगाते हैं। इसी तरह से किरचॉफ्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको लगाने का, क्योंकि वो हमेशा ट्रू रहते हैं। सो ये जो कैपेसिटर है बेसिकली ये कम्प्लीटली चार्ज हो गया है, तो इसके पास जितना चार्ज आना था वो यहाँ पर आ गया और ये प्लस माइनस इस तरह से हो गए हैं। अब क्या कर रहा है कि इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा हो गया कि वो बैटरी को खुद ही बैलेंस कर ले रहा है। सिंस ये कैपेसिटर का पोटेंशियल बैटरी को बैलेंस कर ले रहा है, तो फिर इस आर के पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इसीलिए उसने करेंट को क्या किया है, करेंट को जीरो कर दिया है। दूसरे टर्म में जितना चार्ज आना था सारा का सारा चार्ज आ चुका है, और अब चार्ज का फ्लो बंद हो गया तो करंट जीरो हो गया। तो ये आई वन करंट हमारा जीरो हो गया। ये लेट्स चार्ज क्यों है?
अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, हाउ मच द क्यू इज देयर, दैट मीन्स कैपेसिटर पर कितना चार्ज है वो बताइए, या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है ये बताइए। तो हम बोलेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी के अक्रॉस है, या फिर आप इसके लिए किरचॉफ्स लॉ लगा लो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बैटरी, लेकिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो जीरो है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो बैटरी का हो गया। बट अगर आपसे क्यू पूछता है तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनली, बैटरी इसका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, सी इज द कैपेसिटेंस, ई बिकम्स द पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस दिस इज द चार्ज। तो जब ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होगा तो उसके पास सी ई के बराबर टोटल चार्ज आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर आ जाएगा, इस ब्रांच से करंट जीरो हो जाएगी। ये सारी बातें हम कर सकते हैं जस्ट एट स्टेडी स्टेट कंडीशन या लॉन्ग टाइम के बाद। जस्ट आफ्टर में उसको आप वायर से रिप्लेस कर दीजिए और चार्ज पूछा जाए तो बोलेंगे चार्ज जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है क्योंकि चार्ज जीरो है। तो यहाँ पर कैपेसिटर का चार्ज कितना था, जीरो, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, जीरो, इसलिए आपने उसको वायर से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई, तो ये कैपेसिटर्स की इन्फॉर्मेशन है, उसको भी नोट कर लीजिए दोनों केसेस के लिए। मोस्टली एग्जाम में क्या करता है, इन्हीं दोनों केसेस के बारे में पूछता है, जस्ट आफ्टर और लॉन्ग टाइम। उसकी वजह है, सिंपल वजह है, क्योंकि अगर किसी टाइम पर पूछेगा ना तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, और जब ये टाइम ये फार्मूला आपको लगाना पड़ा तो ई की पावर आएगी, उसको सिंप्लीफाई करना, आर सी करना, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, तो नॉर्मली इसको अवॉइड करता है, बट अगर पूछेगा तो हम जरूर बता सकते हैं। तो जीरो से लेकर के लॉन्ग टाइम तक इसको यूज करते हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम इसको यूज करते हैं, और जीरो के जस्ट बाद इसको यूज करते हैं। समझता है? एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसका आंसर आप खुद करेंगे, न्यूमेरिकल है तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अपने को आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। लेट्स से कि आपको एक सर्किट ऐसा देता है कि ये कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, इसके बाद यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं और इस स्विच को t इक्वल टू जीरो पर अपने को क्लोज करना है। उससे पहले जितने भी कैपेसिटर्स हैं सारे अनचार्ज्ड हैं और ईएमएफ जो आपने लगाया है लेट्स से वो 20 वोल्ट का है। ये जो कैपेसिटर है लेट्स से ये 4 माइक्रोफेरेड का था और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया था। ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का था और ये 10 माइक्रोफेरेड का था। ये स्टोरीज आपको दी जा रही है, क्या पूछना है मैं आपसे एक एक करके पूछता और अपने को आंसर करना है। एट टी इक्वल टू जीरो स्विच एस इज क्लोज्ड, फाइंड, वी नीड टू फाइंड समथिंग, नंबर वन इसको आपने क्लोज कर रखा, ड्रॉ कर लीजिए। फाइंड नंबर वन करेंट थ्रो, ध्यान से आंसर देना है, 5 ओम रेजिस्टेंस आफ्टर लॉन्ग टाइम। So how much the current through 5 ohm resistance will flow when the time is long, that means steady state condition achieve ho gaya. Sabhi log isko try kare. Okay, so answer you people suggested as zero.
जस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ से जो करंट जा रहा होगा इधर जा रहा होगा, कुछ पार्ट इधर जा रहा होगा और ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा. सिंस ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा तो फिर यहाँ से करंट को अलाउ नहीं करेगा, तो आप पाओगे कि करंट विल बिकम जीरो. सो और ऐसा बोलो कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है स्टेडी स्टेट कंडीशन में वो कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है, तो उस ब्रांच में कोई करंट को अलाउ नहीं करता है. सो करंट विल बिकम जीरो, सो आंसर विल बिकम जीरो. इसको एक बार ऐसा फिगर बना देता हूँ मैं, आई आई वन आई टू, सो दैट कि हम उनके नाम लिख सके डायरेक्टली. तो पॉइंट इज कि आई टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी. गुड. सेकेंड पार्ट लेट्स से अगेन हम लोग करंट के बारे में बात कर रहे हैं. बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछने वाला हूँ और अगर आप सभी के सही आंसर देंगे इसका मतलब आप समझ गए. करंट थ्रो बैटरी आफ्टर लॉन्ग टाइम, सो लंबे समय के बाद बैटरी से कितना करंट जाएगा ये पता करना है. सो बैटरी से जो करंट जा रहा है वो बेसिकली आई है. सो हाउ मच आई विल बी, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. सो यू विल से कि ठीक है आई टू तो हमको जीरो मिल चुका है और I1 भी जीरो होगा क्योंकि उस वाली ब्रांच में भी कैपेसिटर लगा हुआ है, वो भी करंट को नहीं अलाउ करेगा, ये भी करंट को अलाउ नहीं करेगा, दोनों फुली चार्ज्ड हैं. तो दिस विल लीड टू I विल बी जीरो. दैट मींस आफ्टर लॉन्ग टाइम यू विल फाइंड देयर विल बी नो करंट रनिंग थ्रू दी बैटरी. बैटरी विल बी सप्लाइंग नो चार्ज बिकॉज दे हैव चार्ज कम्प्लीटली. इसके बाद मे बी लाइक थर्ड मैं आपसे पूछ सकता हूँ, हाँ सो वो जीरो आपका करेक्ट आंसर जा रहा है. मैं अब थर्ड पार्ट पूछने की कोशिश कर रहा हूँ. चार्ज ऑन 10 माइक्रोफेरड एट स्टेडी स्टेट, हाउ मच द चार्ज दिस कैपेसिटर इज गोइंग टू कैरी आफ्टर लॉन्ग टाइम और स्टेडी स्टेट सिचुएशन पर. ट्राई कर सकते हो. सो आपको ये करंट पता चल गया, आप किरचॉफ्स लॉ लगा दो इस वाले लूप के लिए, आपको चार्ज अब इमीडिएटली पता चल जाएगा. और ये फिर जो मैंने बताया आप उसको फॉलो कर लो. सभी लोग ट्राई करें, ये टाइम मैं आपको दे रहा हूँ और एक बार आप सही आंसर देना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. टू हंड्रेड माइक्रो कूलॉम एक आंसर है. ओके सपोर्ट भी किया जा रहा है. तो अब सपोज कर लो कि इस पास प्लस और माइनस है, ये Q1 चार्ज है, तो आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इस लूप या लूप्स लॉ लूप पे लगा सकते हो. कैसा बनेगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपने को कुछ ऐसा लिखना चाहिए I इंटू आई वन इंटू आर विच इज टू प्लस माइनस जाएगा प्लस Q1 वन बाई सी विच इज 10 माइक्रोफेरड माइनस 20 मस्ट बी इक्वल टू जीरो. ये जो रिलेशन होगा ना ये हमेशा ट्रू रहेगा नो मैटर कौन सा टाइम है, इनिशियल टाइम है फाइनल टाइम है. दैट मीन्स किरचॉफ्स का लॉज होते हैं ना वो हर टाइम पे लागू होते हैं. तो आप एक चीज समझते हो, करंट जानते हो तो चार्ज निकालोगे, चार्ज जानते हो तो करंट निकालोगे. अपने को पता चला करंट कितना है, करंट तो जीरो है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज की जो वैल्यू आ जाएगी Q1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 200 माइक्रो कूलॉम. आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे कैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है
तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर रहेगा, तो इसका मतलब है इसके लिए Q by C is equal to V जैसा फॉर्मूला लगा देंगे। और आप Q by C बोलो equal to E या फिर आप किरचॉफ्स बोलो, दोनों का एक ही मतलब। आई वुड सजेस्ट कि आप किरचॉफ्स लगाना स्टार्ट करो और कॉन्सेप्ट्स को उसके साथ लेके चलो, सारे आंसर्स आप दे सकते हो। अगर आपसे फोर्स से पूछा जाएगा तो सेम स्टोरी आप यहाँ पे लगा के बता सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी कैपेसिटर के बारे में बता सकते हो कितना चार्ज आएगा। एक बार कैपेसिटर का अपने को चार्ज पता चल गया तो इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि 4 माइक्रोफैराड के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। या फिर बैटरी ने टोटल कितना वर्क किया ये बताइए, तो जो टोटल वर्क करेगा बैटरी वो इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज के बराबर आ जाएगा, सो क्यू इंटू ई के बराबर आ जाएगा। तो कितना हीट जनरेट हुआ होगा ये बताइए, तो वर्क डन बाय द बैटरी माइनस स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर्स इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड। तो जो सबसे लेंथीएस्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो हीट के बारे में पूछेगा, वो लेंथी पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको हीट पूछता है, मैं अलग से लिख देता हूँ उसके, एज ए क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ इसी में, हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस के लिए हम आई स्क्वायर आर टी वाला फंडा भी लगा सकते हैं और डायरेक्टली ये बोल सकते हैं क्या कि बैटरी का वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन बैटरी वो निकाल लेंगे माइनस स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर। तो दोनों कैपेसिटर्स में कितना एनर्जी स्टोर्ड है ये पता करने का, कैपेसिटर्स में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है वो चार्ज और पोटेंशियल से और कैपेसिटेंस से निकलता है। कैपेसिटेंस तो आपको पता है, चार्ज हम पता कर पा रहे हैं तो उनकी स्टोर्ड एनर्जीज निकाल लेंगे। वर्क डन बाय बैटरी के लिए क्यू टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, टोटल निकाल सकते हैं ई से मल्टीप्लाई करेंगे वो पता चल जाएगा। ये नंबर पता चल गया, ये नंबर पता चल गया, दोनों आंसर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हीट प्रोड्यूस निकल के आ जाएगी। कॉपी कर लीजिए। और दूसरा तरीका निकालने का होगा, हम लोग जानते हैं अपने टेंथ में पढ़ा होगा आई स्क्वायर आर होती है और इनटू डीटी करना होता है, टी को जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इससे कितना हीट गया, इससे कितना हीट गया, दोनों से हीट को निकाल करके ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा जो यहाँ से आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है हीट निकालने का, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मैं सिंपल और सिंपल क्वेश्चन दे देता हूँ लेकिन इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए, सपोज कर लीजिए आपसे ऐसा बोलता है अपने पास एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, आरसी सर्किट है और ये पे बैटरी है और ये स्विच है, स्विच को आप टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज कर देते हो। यहाँ पर एक कैपेसिटेंस दिया गया सी, रेजिस्टेंस दिया गया आर, ईएमएफ दिया गया ई, इनकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दे सकते हैं। आपसे पूछते हैं If switch is closed at t equal to zero, then find, ये kind of formula भी बन जाएगा, total heat produced in the circuit. So, अगर t इक्वल टू जीरो पे आपने स्विच को क्लोज किया है तो टोटल हीट कितना प्रोड्यूस होगा सर्किट पे ये बताना है। आप पाओगे कि इस पर करंट जाएगी तो आई स्क्वायर आर से हीट लॉस हो रही होगी, हीट प्रोड्यूस हो रही होगी और वो t इक्वल टू जीरो के बाद से स्टार्ट हो जाएगी, लंबे समय तक चलेगी, उस समय तक कितना हीट जाएगा ये अपने को पता करना है। सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अपने पास तरीका क्या है, मैं आपको दोनों तरीका बताता, हीट प्रोड्यूस्ड या फिर टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हीट की जो वैल्यू आती है आपने इतना टेंथ में जरूर पढ़ा होगा कि आई स्क्वायर आर पावर होती है, टी से मल्टीप्लाई कर देते तो हीट होती है। यहाँ पर करंट वैरी कर रही है तो आई स्क्वायर आर इंटू टी नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो करंट है वो चेंज करती है। आपने देखा था चार्ज टाइम का फंक्शन है तो करंट भी टाइम का फंक्शन रहेगी, एक्सपोनेंशियल रहेगी, तो इस तरह से लिखना गलत होता है। तो सही क्या होता है, हम लोग लिखेंगे आई स्क्वायर आर इंस्टेंटेनियस पावर होगी, डी टी से मल्टीप्लाई कर दो और टाइम के साथ इसको इंटीग्रेट कर दो। सो ये हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग हीट का एक्सप्रेशन निकालेंगे, सॉरी इसका करंट का, जैसे चार्ज का एक्सप्रेशन निकाला था, दिस वॉज अ चार्ज एक्सप्रेशन, करंट निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो करंट मिल जाएगा, उसी करंट को यहाँ पर रख करके स्क्वायर करेंगे
आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जीरो टाइम से लेकर के लॉन्ग टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक, इससे अपने को टोटल हीट प्रोड्यूस मिल जाएगी। ये आपको एज अ होमवर्क करना है घर पे, और आई की वैल्यू अभी मैं बताने वाला हूँ उसको यहाँ पर रखना है, आर को रखना है, स्क्वायर करके इंटीग्रेट करना है टी के रिस्पेक्ट में, जीरो से इनफाइनाइट तक लिमिट लगाना है। आप इसको सॉल्व कर पाओगे, आपको एक आंसर आएगा, उसका एज अ फॉर्मूला याद रख लेने का इम्पोर्टेंट है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम वो सारा करने की कोशिश करने के बजाय हम दूसरा तरीका निकालेंगे, और तो इसको आप एज अ होमवर्क कंप्लीट करो और चेक करो जो और वाला हम बता रहे हैं क्या दोनों से मैच करते हैं। और सिंपल सेंस क्या कैन वी से कि जो हीट प्रोड्यूस आएगी वो एनर्जी बैलेंस से निकाली जा सकती है। एनर्जी बैलेंस मतलब वर्क डन बाय द बैटरी माइनस स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर। नाउ लेट्स से कि क्यू चार्जेस पे गया तो क्यू चार्जेस पे आया होगा, और इस तरह से आई करंट गया होगा, वो सारी स्टोरीज हो गई। टोटल चार्ज क्यू यानी मैक्सिमम क्यू की बात कर रहा होगा, क्यू मैक्स, तो जो हमारा क्यू है वो क्यू मैक्स हो जाएगा, और क्यू मैक्स का मतलब कितना है, सी इंटू ई। सो हम वर्क डन निकाल सकते हैं, हाउ मच द वर्क डन बाय द बैटरी इज गोइंग टू बी क्यू मैक्स, जो टोटल चार्ज गया, मैक्स मतलब टोटल चार्ज जो बैटरी ने सप्लाई किया, इंटू ई, तो ये बन जाएगा सी इंटू ई स्क्वायर। दो बार ही आया सी ई और सी। हाउ मच द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, कैपेसिटेंस इज सी, चार्ज इज क्यू मैक्स, और स्टडी स्टेट कंडीशन में बात करोगे लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमने को हीट प्रोड्यूस टोटल चाहिए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से लॉन्ग टाइम तक जाना है, तो फाइनली इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो कितना स्टोर्ड एनर्जी फाइनली होगी, हाफ सी ई स्क्वायर। तो ये जो हम लगाएंगे वो फाइनल कंडीशन के लिए लगाएंगे, फॉर स्टडी स्टेट, क्योंकि उसके बाद चेंजेस बंद हो जा रहे हैं, तो टोटल निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। अगर किसी बीच के टाइम तक बोलता है तो स्टेडी स्टेट नहीं लगाएंगे, तो उस बीच के टाइम तक जाएंगे। नाउ इसका मतलब हीट कितना आ जाएगा, फ्रॉम हेयर वी कैन से हीट का फॉर्मूला हमारे पास आ जा रहा है, सी ई स्क्वायर माइनस हाफ सी ई स्क्वायर। सो हाउ मच द हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, इट इज हाफ सी ई स्क्वायर। ये हम लोग पहले भी लिख चुके हैं एज अ नोट पॉइंट कि वर्क डन जितना बैटरी करता है उसका केवल हाफ स्टोर्ड होता है, बाकी हाफ इसका वेस्ट हो जाता है हीट के फॉर्म में। वही हीट का हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं कि आई स्क्वायर आर से भी उतना ही हीट प्रोड्यूस हो जाता है। सो इसको आपको एज अ होमवर्क ट्राई करना है, और ये एज अ फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। और ये जो एनर्जी बैलेंस वाला है ये हमको जल्दी आंसर दे देता है विदाउट गोइंग फॉर इंटीग्रेशन। ओके, अगर आपने ये कॉपी कर लिया है तो उस कैपेसिटर के चार्जिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करता मैं और आगे बढ़ता। अपने पास एक फॉर्मूला आया था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, क्या फॉर्मूला था, क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्स, अगली लाइन में लिखते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं, ये सी ई आएगा, वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये पॉपुलर फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। नाउ यहाँ से हम लोगों ने बात किया कि क्यू मैक्स कितना बनता है, मैक्सिमम चार्ज जो आएगा वो सी ई के बराबर आता है, और ये भी हमने पता किया कि आर सी है वो टाइम की डायमेंशन है, तो उसको टाउ से लिख लेते हैं। सो टाउ को हम टाइ आर सी लिखेंगे और इसको बोलेंगे दिस इज टाइम कांस्टेंट। क्योंकि इसका जो यूनिट होता है वो टाइम के बराबर होता है, इसलिए टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। सो अगर ये हमारा आर सी टाइम कांस्टेंट है, टाउ है, और ये क्यू मैक्स है, तो इसका अपीयरेंस हम कुछ बदल सकते हैं। इसका अपीयरेंस ऐसा लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q max, maximum charge that can come there, 1 minus e raised to power t upon tau. तो कई बार हम लोग इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं कि चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इज बेसिकली द मैक्सिमम चार्ज दैट विल कम ऑन द कैपेसिटर इन ब्रैकेट 1 minus e raised to power t by tau, जहां पर tau टाइम कांस्टेंट है, RC के बराबर है, t टाइम है, और e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यू पीपल नो दैट। फिर एग्जाम में क्या करता है, आपसे पूछता है कि ये ग्राफ कैसा बनेगा बताइए, वो चार ग्राफ देगा, बोलेगा कौन सा ग्राफ करेक्ट है, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ और आप आंसर कर देंगे, टी के साथ चार्ज का ग्राफ बना के देगा, एक्सपोनेंशियल है। सो लेट्स से एक ग्राफ मैं इस तरह से देता, वन
दूसरा ग्राफ मैं इस तरह से देता, टू, तीसरा ग्राफ मैं इस तरह से देता, थ्री, चौथा ग्राफ मैं इस तरह से देता, फोर। एक्सपोनेंशियल कुछ इस तरह से आएंगे। सो अगर आपको ये फोर ऑप्शंस दिए हों और आपको देखना हो कि कौन सा ग्राफ सुटेबल हो पाएगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ इसको एक्सप्रेस करेगा, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को कौन सा ग्राफ एक्सप्रेस करेगा? ये पूरा मैथ्स है, इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है, क्योंकि आपको इसको ट्रांसलेट करना है इसमें, दैट्स ऑल। ये इसलिए पूछा गया सो दैट यू कैन थिंक ऑफ कि अगर ऐसा इक्वेशन कभी आपको मिलता है तो क्या उसको ग्राफ में आप प्लॉट कर सकते हो। ओके, आपने कुछ गेस करने की कोशिश की है, थ्री फोर जैसा। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, जब कोई कोई इक्वेशन दिए होते हैं ना, और उस इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाने होते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, जो अपने को गिवेन है ना, जितना आपने लर्न किया है ना, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये समझा कि इनिशियली चार्ज कितना था उसके पास, तो इनिशियली चार्ज हमारे पास जीरो था, और अगर अपने को इनिशियली चार्ज जीरो रखना है तो कुछ ऑप्शंस हमारे काम के नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर थ्री कहता है इनिशियली चार्ज ये वैल्यू है, फिर उसके बाद चार्ज धीरे धीरे कम होते होते कम हो रहा है, तो थ्री विल कम रॉन्ग, क्योंकि हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं, हमारा चार्ज जीरो ऑनवर्ड्स बढ़ रहा है, जीरो ऑनवर्ड्स बढ़ना है। अच्छा, चार्ज जीरो, हमारे पास टू पर चार्ज जीरो बता रहे हैं, वन भी चार्ज जीरो बता रहा है, थ्री भी चार्ज जीरो बता रहा है, वन भी बता रहा है कि चार्ज बढ़ रहा है, अच्छी बात है, टू भी बता रहा है चार्ज बढ़ रहा है, अच्छी बात है, तीसरा भी बता रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा तो उल्टा बोला है, तीसरा तो जमेगा नहीं। अच्छा, तीसरा को इनिशियली अगर हम यहाँ से पकड़ते हैं, फोर्थ के बारे में बेसिकली, फोर्थ अगर इनिशियली यहाँ से पकड़ते हैं तो ये बोलेगा चार्ज हायर से कम हो रहा है, तो फोर्थ को भी रिजेक्ट कर देंगे। टाइम में हम लोग उल्टा नहीं चल सकते, इसलिए हम इधर ही चलेंगे और इनिशियली हाई पकड़ेंगे, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब फोर्थ भी रॉन्ग हो गया और थर्ड भी रॉन्ग हो गया। नाउ अभी भी आपके पास चैलेंज होगा फर्स्ट और सेकंड को लेकर के, फर्स्ट और सेकंड को लेकर के चैलेंज को दूर करने के, फिर एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव्स, वो सारी कहानी आप देख सकते हो। तो पॉइंट इज कि हम टेंटेटिवली बता सकते हैं कि कौन सा जाएगा, जब आप उसको प्लॉट करते हो तो कुछ ऐसा आता है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइजेस रैपिडली टेंडिंग टू दिस, वो टू से मैच कर रहा था थोड़ा सा, और ये एक समय के बाद क्या करता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन को अचीव करने की कोशिश करता है, और ये बहुत जल्दी स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आ जाता है। सो टू अप्रोप्रिएट आंसर था आउट ऑफ फोर, वो इस तरह से दिखता है। और ये जो वैल्यू है ये उसको बता रहा होता है कि मैक्सिमम चार्ज कितना है, क्यू मैक्स, दैट मीन सीई की वैल्यू की बात कर रहा होता है। इसका मतलब चार्ज इस बाउंड्री के ऊपर नहीं जा पाएगा, टाइम बढ़ता रहेगा तो ये इसको टच करेगा जाके, दैट्स ऑल। ये जीरो है ऑफ कोर्स, चार्ज ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, और इस तरह का उसको ग्राफ बोलते हैं, इसको चार्जिंग ऑफ बोलते हैं, धीरे ये इस तरह से बढ़ते 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 मैक्सिमम पहुंच जाता है। यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये टाइम है, टाओ। तो कई बार आपसे पूछता है टाओ पे क्या चल रहा है, तो वो टाइम यहाँ पर कहीं पर आरसी के बराबर आएगा, उस टाइम के बाद कितना चार्जिंग हो जाएगा वो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर अपने को कैलकुलेट करना होगी हाउ मच द चार्ज हैज कम ऑन द कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, तो हम टी को टाओ बोल देंगे। जब हम टी को टाओ बोलेंगे तो आप बोलोगे टाओ और टाओ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये ई रेस्ट पावर माइनस वन बनेगा, ई रेस्ट पावर माइनस वन को वन अपॉन ई लिख सकते हैं, तो ये वन माइनस वन अपॉन ई आएगा, ई की वैल्यू आप जानते होगे, उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो सिंप्लीफाई होकर क्यू मैक्स का फ्रैक्शन बन जाएगा। तो आप कहोगे कि ये जो फ्रैक्शन बनता है दैट इज गोइंग टू बी जीरो पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 0.63 क्यू मैक्स। ये आप ट्राई कर सकते हो, टी का वैल्यू टाओ रख करके यहाँ से क्यू निकालिए, क्यू मैक्स बाई या क्यू मैक्स इंटू 0.63 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ
कि ये एक टाइम कांस्टेंट में 0.4 से लेकर के 0.63 ऑफ द मैक्सिमम पहुंच जाता है, दैट मीन 63% चार्जिंग हो जाती है। सो आप पाओगे कि इस कैपेसिटर का चार्जिंग इस तरह से हो रहा होता है कि विद इन वन टाइम कांस्टेंट इट्स चार्जिंग बिकम्स 63%, और बाकी टाइम पर कितना करता है, बाकी टाइम पर जो 37% बचता है तो वो बाकी टाइम पर चार्जिंग करता है। इसका मतलब हुआ इनिशियली चार्जिंग इज फास्टर एंड देन गेट स्लोज डाउन और फिर उसकी चार्जिंग का रेट जीरो हो जाता है। सो उसको एज ए नोट पॉइंट हम लिख सकते हैं। इन वन टाइम कांस्टेंट ड्यूरेशन, और भी क्लियर करना है तो वन में मतलब कुछ भी आ सकता है, इन फर्स्ट टाइम, पहले टाइम कांस्टेंट ड्यूरेशन में द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड बाय 63%। सो 63% चार्जिंग अकर्स विद इन फर्स्ट टाइम कांस्टेंट ड्यूरेशन। अगर आपसे पूछता है कि सेकेंड टाइम कांस्टेंट के ड्यूरेशन में कितना चार्जिंग होगा, तो फिर 2 tau यहाँ पर निकाल लीजिए, ये 2 tau हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग निकालिए। आप पाओगे कि जो सेकेंड टाइम कांस्टेंट ड्यूरेशन होगा ना, उस पर 63% चार्जिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टोटल तो 100% होनी है, 63 ऑलरेडी हो चुका है, तो बचे ही हमारे पास 37 था, तो उसमें से कुछ पार्सन कर रहा होगा, यानी कि पहले टाइम कॉन्स्टेंट फास्टर है, फिर स्लो हो जा रहा है, फिर और स्लो हो जा रहा है, और स्लो हो जा रहा है, इस तरह से चलता है। ये ग्राफ हमारे लिए खास इंपॉर्टेंस है, और ये पर्टिकुलर वैल्यू भी हमारे लिए खास इंपॉर्टेंस रखती है। ये कैसे आई हुई है? ई की वैल्यू को रखने से आई है। अगर अपने पास चार्ज आ गया है तो हम करंट को भी पता कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट बनता है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कई बार वो ग्राफ के टर्म में आंसर देते हैं, जो ऑप्शन देगा, क्वेश्चन पूछेगा। सिंस आपको पता था करंट इज dq / dt, तो हम d / dt लगाएंगे और q की वैल्यू रख देंगे। q की वैल्यू थी CE within bracket 1 minus e raised power t / RC। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप पाओगे कि CE as a constant बाहर निकल के आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, e raised power something का डिफरेंशिएशन e raised power that thing होती है, चेन रूल लगाओगे, minus 1 / RC लगाओगे। अब तक आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता होगा। So this current I will become minus or minus settle down हो गए, ये बनेगा CE divided by RC e raised to power minus t / RC, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं e / R e raised to power minus t / RC। So current का ही अपने पास expression आ जाता है। So expression आ रहा है I is equal to E upon R e raised to power minus t by tau, tau की value RC होती है, वो आपको पता है, time constant। This is how the current varies। आपको याद होगा कि हम लोगों ने अभी कुछ questions किए थे, तो long time के बाद current पता किया, initially current पता किया, अब यहाँ से भी पता कर सकते हो। जब t की value आपको tending to zero plus जाएगी, तो e raised to power minus one minus zero हो जाएगा, जो कि one की तरफ जाएगा, तो I की value कितनी हो जाएगी, E upon R हो जाएगी, जो आई मैक्स होती है, मैक्सिमम करंट होती है। तो सर्किट में इनिशियली मैक्सिमम करंट जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनिशियली करंट गोज मैक्सिमम बट चार्ज इज निग्लिजिबल। तो इनिशियली कैपेसिटर के पास चार्ज कितना पहुंचा, जीरो, जबकि करंट कितना गया था, मैक्सिमम करंट गया था, और मैक्सिमम करंट कितना था, ई बाई आर। और लॉन्ग टाइम के बाद जब हम इन्फिनिटी जैसा टर्म यूज करें, तो लॉन्ग टाइम के बाद आप देखोगे ये जीरो को टेंड करेगी, तो करंट विल बिकम जीरो। इसी दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने अभी तक यूज किया है। आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट करंट थ्रू द कैपेसिटर बिकम जीरो, एट जस्ट आफ्टर देयर देयर इज अ मैक्सिमम करंट थ्रू द कैपेसिटर। ये पॉइंट्स हम लोग याद रख सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि ये जो रेट ऑफ चार्जिंग है, दैट मीन्स करंट है, उसका ग्राफ कैसा दिखेगा।
करंट वर्सेस टाइम, इस पर भी आपको चार ऑप्शन दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि किस तरह से बनेगा। तो ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, ये आपको पता चल जाएगा। इनिशियली करंट मैक्सिमम है, तो इनिशियली मैक्स है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ई अपॉन आर। फाइनली करंट कितना होने वाला है, जीरो। तो या तो वो इस तरह से जीरो बनाएगा जा करके, यही बनाएगा क्योंकि टेंडिंग टू वाला है, ऐसा तो बना नहीं सकता। सो यही अपना ग्राफ बन जाएगा। सो इट डिकेज एक्सपोनेंशियली गोज टू जीरो आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आपको ग्राफ देकर भी पूछ सकता है कि बताइए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का है, या फिर ये करंट का है या फिर चार्ज का है, वो सारी बातें हम यहाँ पे बता सकते हैं। सो करंट इनिशियली मैक्सिमम होती है, फाइनली जीरो होती है, जबकि चार्ज इनिशियली जीरो होता है, फाइनली मैक्सिमम होता है। चार्ज बढ़ रहा होता है, करंट कम हो रहा होता है, दोनों एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहे होते हैं। अगेन लॉजिकल, और अगला पॉइंट आपके पास ये आएगा कि जब हम एक टाइम कांस्टेंट निकलते हैं, एक टाइम कांस्टेंट निकलते हैं, तो करंट कितना बचता है। इनिशियली मैक्सिमम था, सो हाउ मच द करंट इज लेफ्ट ओवर। तो टी की वैल्यू टाउ रख दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ई बाई आर का यानी आई मैक्स का एक फैक्टर मिल जाएगा। तो आप पाओगे कि ये वैल्यू बचती है ना, ये 0.37 आई मैक्स बचती है, ये फिर ई अपॉन आर बचती है। आई मैक्स का मतलब ई अपॉन आर है, कैलकुलेट करके हम चेक कर सकते हैं। 1 अपॉन ई की वैल्यू जो होती है 0.37 होती है, इसको आप याद रख सकते हो, 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 0.37। सो व्हाट डज दैट मीन, कि एक टाइम कांस्टेंट में जो करंट है वो 37% बचा हुआ है, करंट डिके करता है। सो कितने परसेंट करंट डिके कर गया है? ये क्वेश्चन एक बार उसने ट्विस्ट करके पूछा कि विद इन वन टाइम कांस्टेंट इन अ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय व्हाट परसेंट करंट डिक्रीजेस। सो करंट डिक्रीजेस बाय दिस परसेंट व्हाइल रिमेनिंग इज दिस। सो रिमेनिंग इज 37%, हेंस डिक्रीज मस्ट हैव बीन 63%। सो विद इन टाइम फर्स्ट टाइम कांस्टेंट करंट 63% से डिक्रीज कर जाता है, और विद इन वन टाइम कांस्टेंट चार्ज 63% से बढ़ जाता है। सो ये 63% जो है एक अच्छा नंबर है, वो हम इसको याद रख सकते हैं। और करंट का ग्राफ, चार्ज का ग्राफ, दोनों ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। करंट हमको बता रहा है रेट ऑफ चार्जिंग ना, इसको इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत पॉपुलर है क्वेश्चन पूछने के लिए। इनिशियली जो रेट ऑफ चार्जिंग है वो मैक्सिमम है, क्योंकि करंट ही रेट ऑफ चार्जिंग है। फिर रेट ऑफ चार्जिंग कम होता रहता है, कम होता रहता है, कम होता रहता है, फाइनली रेट ऑफ चार्जिंग जीरो को टेंड करता है। सो रेट ऑफ चार्जिंग इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, रादर रेट ऑफ चार्जिंग इज एक्सपोनेंशियल। रेट ऑफ चार्जिंग डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चार्जिंग डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। सो वो चार ऑप्शन थ्योरेटिकली देगा कि रेट ऑफ चार्जिंग कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, लीनियरली इंक्रीज करता है, लीनियरली डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, बहुत सारे स्टेटमेंट बना सकते हैं। अपने को क्या समझना है कि रेट ऑफ चार्जिंग मतलब करंट, करंट डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब रेट ऑफ चार्जिंग डिक्रीज कर रहा है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि अगर रेट ऑफ चार्जिंग डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब अभी भी चार्जिंग हो रहा है, लेकिन चार्जिंग होने का रेट कम हो रहा है। ये पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो। सो ये कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंस सर्किट में चार्जिंग की स्टोरी है। अगर आपको ये चार्जिंग की स्टोरी समझ में आती है, तो डिस्चार्जिंग में बस आपको इसी का यूज करना है, बैटरी हटा देनी है। तो जब कैपेसिटर हमारे पास चार्ज हो जाता है, तो फिर वो बैटरी जैसा काम करने लगता है। अगर इनिशियल फिगर पर है, तो ये इनिशियल फिगर थी, इसमें हम लोगों ने अनचार्ज कैपेसिटर लिया था, तो उसको हमने चार्जिंग देखा कैसे चल रहा है। इनिशियली जीरो चार्ज रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और फाइनली सी ई के बराबर चार्ज हो जाता है,
बढ़ने में भी इनिशियली फास्टर बढ़ता है, बाद में स्लोली बढ़ता है, तो बढ़ने का रेट कम होता है, वो भी एक्सपोनेंशियली। करंट के बारे में लर्न किया, करंट इनिशियली मैक्सिमम जाती है और फिर करंट डिक्रीज करती रहती है, डिक्रीज करती है, उसके डिक्रीज होने में भी वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, फाइनली जीरो करंट फ्लो करती है, तो फाइनली रेजिस्टेंस का रोल खत्म हो जाता है और केवल सीई जैसा दिखने लगता है। दिस इज हाउ करंट वैरीज एंड चार्ज वैरीज। अभी तक हम लोगों ने यही लर्न किया कि चार्ज टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है, करंट कैसे वैरी कर रहा है, बोथ आर वैरिंग एक्सपोनेंशियली और उनके एक्सप्रेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाए हुए हैं, ये इसका डेरिवेशन है, आप देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उसके इंटरप्रिटेशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने किए। एंड अनदर एग्जांपल, ये एग्जांपल को एक बार फिर से वॉच कीजिए, हीट को निकालने के लिए भी हम लोग बात कर चुके हैं, फिर इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन था। ये जो ग्राफ है ये एक्सपोर्ट इसको टच करने की कोशिश करता है इनफाइनाइट पे जा करके, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में कैसे बिहेव करता है, वो सारी स्टोरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। डिस्चार्जिंग को मैं अब नेक्स्ट क्लास पे ही बताऊंगा, क्योंकि आप इतना पहले डाइजेस्ट कर लीजिए, ये समझ जाएंगे तो डिस्चार्जिंग हम बहुत जल्दी से बता पाएंगे, स्पीड पकड़ लेंगे। यहाँ तक कोई कंसर्न, डाउट और क्वेरी बची हो, रही हो, तो आप ज़रूर पूछ लीजिए। एंड इस पे क्वेश्चंस इजी भी रहते हैं, इजी इन द सेंस कि अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, आप तुरंत निकालोगे। अगर आपको डेरिवेशन करना पड़ गया, सो इट्स गोइंग टू बी लेंथी एनफ। मोस्टली क्वेश्चंस जस्ट आफ्टर और लॉन्ग टाइम वाले होते हैं, तो उस सर्किट को हम सिंप्लीफाई बना लेंगे और इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट को लगा करके, यानी किरचॉफ्स को लगा करके हम सॉल्व कर देंगे। अब आपको जो असाइनमेंट दिया गया था, डीपीपी दिया था, उस पर क्वेश्चंस होंगे, असाइनमेंट पे बुक्स पे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आज और डीपीपी मिल जाएगा, उस पर भी क्वेश्चंस होंगे, उनको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसके बाद डायलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ये दो मेजर पोर्शन बचे हुए हैं, देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। एनीथिंग टू आस्क? Okay, well, it's like one-way communication. चलेगा, not an issue. आप इसको पढ़ लीजिए, मैं next class में आपको आगे बताता हूँ. Thank you, everyone.